हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में पाठ पहला है दयालु शिकारी के अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न है, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाई है। यानी प्रश्न है, उसका उत्तर देना है, उसके उत्तर के आधार पर हमें दयालु शिकारी कहानी के अंदर क्या क्या हुआ है उसका हमें पता चलता है। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो हमें इसका उत्तर लिखना है कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हमें अंदाज लगाना है कि हिरनी है वह जंगल में पेड़ पौधे के पत्ते और घास खाती होगी। तीसरा प्रश्न, हिरनी देखने में कैसी है? तो हमें लिखना है कि हिरनी देखने में मोटी ताजी है। चौथा प्रश्न, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि शिकारी है वह हिरनी का मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। पांचवा प्रश्न, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी है वह हिरनी के नजदीक या समीप गया। छठा प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया है। सातवां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि शिकारी हिरनी को अस्पताल में ले गया क्योंकि उसकी टांग में गोली लगी थी। आठवां प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हो रहा था। अब हम प्रश्न तीसरा, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाएंगे, यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण दे दिया गया है जिसमें ख से खरगोश शब्द बनता है, खत्म, खाली और खाना शब्द बनता है और इसी के द्वारा हमें ट से, ड से, म और भ से चार चार या तीन तीन शब्द बनाने हैं। तो ड से हम बनाएंगे टमटम, टका और टखना। ड शब्द से हम कोई भी शब्द बना सकते हैं, डकार, डकेती और डगम। म से शब्द हम बनाएंगे मकड़ी, मकर और मधुर और भ से शब्द हम बनाएंगे भगत, भगोड़ा और भगवत। अब हम पेज नंबर 3 में स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें चित्र दिया गया है और चित्र के आधार पर 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं और इस कहानी में 2-3 चित्र दिए गए हैं। इन 3 चित्रों के आधार पर हमें एक अलग अलग कहानी बनानी है। पहले चित्र में हंस और कछुआ दिख रहा है, तो इसकी पहले हम एक कहानी बनाते हैं। प्रश्न है, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर हमें कहानी लिखनी है। तो पहला हमें हंस और कछुआ दिख रहा है पहले चित्र में, तो इसके आधार पर हम कहानी बनाएंगे। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था, वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा, चित्र में आप देख सकते हैं कि लकड़ी है दोनों हंसों के मुंह में। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रह गया, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहुत बोलना एक बुरी आदत है और इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की एक हमें सीख देती है और इस कहानी का शीर्षक हम दे सकते हैं बातूनी कछुआ। अब यहाँ पर हमें एक कौवा दिखाई दे रहा है। अब उसकी कहानी हम चित्र को देखकर बनाते हैं। पहले चित्र में एक पेड़ पर कौवा बैठा है, तो कहानी की शुरुआत हम करेंगे। और एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी थी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी के घड़े के मुंह तक पानी आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कौवा बुद्धिमान था और बुद्धिमत्ता के कारण ही उसने अपनी प्यास बुझाई। इसीलिए इस कहानी को हम शीर्षक दे सकते हैं बुद्धिमान कौवा। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए, यानी मुश्किल आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और अपनी बुद्धि से ही काम करना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपाट में बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है। बोर्ड में आपको मैंने जो 8 प्रश्न समझाए थे, उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहा है। उन प्रश्नों को देखकर ही आपको यह प्रश्न और उत्तर 4th, 5th, 6th, 7th, 8th कुल 8 प्रश्न जो मैंने आपको बोर्ड में कराए थे, वह प्रश्न और उत्तर दोनों इस पेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। वही आपको देखकर होमवर्क में एक बार लिखना है। प्रश्न तीसरा आपको होमवर्क में नहीं करना है, खाली 8 प्रश्नों के उत्तर ही आपको होमवर्क में लिखना है।